अलावलपुर रेलवे पुल के पिछले कई महीने से बंद पड़ी हुई लाइटों के विरोध में प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए युवाओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और युवाओं ने कैंडल मार्च के दौरान जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। युवाओं का कहना है कि वे इस बारे में कई बार नगर परिषद के अधिकारी से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनका समाधान नहीं हुआ। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के आगे से आना मना कर दिया। समाज सेवी राहुल मलिक का कहना है कि जब पुल का उद्घाटन हुआ था तब कुछ दिनों तक ही ये लाइट जली थी, लेकिन उसके बाद से ही ये लाइट खराब पड़ी हुई है, जिसका फायदा आए दिन असामाजिक तत्व उठाते हैं और अंधेरा होने का फायदा उठाकर आए दिन असामाजिक तत्व यात्रियों के साथ मारपीट लूट जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं और दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है। इसके बावजूद भी प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री इस सड़क से गुजरे तो रातों रात ठीक हो सकती है। राहुल ने बताया कि वो इस बारे में कई बार नगर परिषद के अधिकारी से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनका समाधान नहीं हुआ। उनका कहना है कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों की नींद एक हफ्ते में नहीं खुली तो वो बड़े स्तर पर हरियाणा सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और उन्हें भूख हड़ताल भी करनी पड़ी तो वो भी करने के लिए वो तैयार है। ये कैंडल मार्च पलवल प्रशासन से दुखी होकर हमने निकाला है। अलालपुर रेलवे पुल की लाइटें पिछले कई महीनों से बंद है, ये अभी तक नहीं जली है, बीच में एक दो बार जली है बस उद्घाटन से लेकर अब तक। और आपको पता ही होगा सीएम साहब जब पलवल आए थे एक दिवसीय दौरा था तो जहां जहां सीएम साहब गए थे वहां के रोड भी एकदम ठीक कर दिए थे और रेलवे रोड की लाइनें रातों रात ठीक करी गई थी। गवाह हमें, हमने फोटो भी खींच के व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे डाले थे। जब सीएम साहब के आने पर रातों रात रेलवे रोड की लाइटें ठीक करवाई जा सकती हैं तो अलालपुर रेलवे पुल की लाइटें ठीक क्यों नहीं करवाई जा सकती हैं, जबकि उद्घाटन इन्हीं की सरकार में हुआ था और उस दिन से लेकर अब तक एक दो बार को छोड़ के ये लाइटें बिल्कुल खराब रहती हैं और सर्दियों में तो अति हो जाती है। अलालपुर रेलवे पुल पर और इसके नीचे आने जाने वाले दैनिक यात्री अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व उनके साथ मारपीट भी करते हैं, लूटपाट भी करते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय घटनाएं होती हैं। इससे हम इन सब चीजों से परेशान हैं। इन सभी चीजों से परेशान होकर हम सभी युवाओं ने एक जागरूकता रूपी कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया है, जिसे प्रशासन जाके और इन लाइटों को ठीक करवाए।